सजावट में सबसे अच्छे फूल लगाना। पूरी हवेली महकनी चाहिए, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आखिर हमारी बेटी की शादी है। सरपंच जी आप चिंता ना करें। और हाँ, मेहमानों का खास ख्याल रखना। तुम जाओ बादाम का दूध और शरबत ले। ठीक है। अरे वीना, क्या हुआ? तुम बहुत डरी हुई लग रही हो। भाई आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी बेटी सुहागन होने जा रही है। अपनी बेटी की ब्याह के लिए जितने सपने संजोए थे सब के सब आज सच होने जा रहे हैं। तो फिर मेरी चिंता का कारण आप अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे भी इस बात की चिंता है, लेकिन तुम डरो मत। मैंने सबको चौकन्ना कर रखा है। दो पहलवानों को बंदूकों के साथ सोनिका के कमरे के बाहर तैनात कर दिया है। इस विवाह में कोई अड़चन नहीं आएगी, मुझ पर भरोसा रखो। भगवान करे सब ठीक ठाक हो जाए और मेरी बेटी सोनिका के जीवन में कभी भी कोई अड़चन ना आए। आप क्या सोच रहे हैं? मीना, मैं सोच रहा था हमें सीआईडी की मदद ले लेनी चाहिए। एक बार तो उन्हें इतला कर देना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं अभी सीआईडी की ऑफिस जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर सारी चिंता मत करो, यहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सब तैयारियाँ ठीक ठाक चल रही है, सुरक्षा का बंदोबस्त कड़ा है। तुम बस अपने आँख और कान खुले रखना और बाहर देखते रहना। जी ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन आप मुहूर्त से पहले आ जाना वरना। चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँ, सब ठीक हो जाएगा। ये टोकरी कौन यहाँ छोड़ गया है? क्या है? ये खून? यहाँ पर तो कोई है भी नहीं। फंस क्यों रहा है? खींच क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? कमरे में? अंदर। क्या है कमरे में? अरे क्या हुआ, क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? ये कह रही है कमरे में कुछ है। कमरे में कुछ है? क्या है कमरे में? आप लोग खुद ही चलकर देख लीजिए। अरे ऐसा क्या है कमरे में? ये खून कैसा? किसका खून है? बिस्तर के पीछे क्या हुआ मार्किन? आप लोगों के होते हुए ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? मार्किन, हम तो अपनी जगह पर थे, हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ। एक मिनट, अगर आप लोग अपनी जगह छोड़कर आए तो फिर हे भगवान हटो मेरे रास्ते से, हटो। सीरी देखिए, उसकी बैंक की डिटेल्स और बाकी सारे फोटोग्राफ्स। ये देखो। ये पेपर पढ़ने की जगह है। सॉरी क्या? चेहरा लटका क्यों है तुम्हारा? क्या हुआ, प्रॉब्लम है? पता नहीं सर, आजकल आदमी का दिमाग किस तरह से चल रहा है, किस हद तक सोच सकता है आदमी, उसकी सोच की तो कोई सीमा ही नहीं है। फ्रेडी, तुम कहना क्या चाह रहे हो? आजकल इस दुनिया में हर देश, हर शहर, हर गली, हर नुक्कड़ पे दहशत है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते जा रहे हैं।
जातीयवाद के नाम पे दंगे फसाद हो रहे सर। पहले तो आम आदमी आतंकवाद और बम विस्फोट से डरता था, अब तो आम आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है सर। पता नहीं किसके दिमाग में कब क्या आ जाए, अचानक उसका दिमाग खराब हो जाता है और एक मिनट में सैकड़ों लोगों को गोलियों से छलनी कर देता है सर। अगर आदमी किसी और चीज से नहीं मरा ना सर, तो अपनी गंदी सोच की वजह से जरूर मर जाएगा। रेडी, जो तुम कह रहे हो ना, सिर्फ उतना ही नहीं, इस दुनिया में अच्छाइयां भी है, समझे? ये दुनिया अब भी और आज भी उतनी ही खूबसूरत है, समझे? रो मत। हाँ? सर जी, मेरी मदद करो प्लीज। किस तरह की मदद, और आप है कौन? जी, मैं बंगड़गढ़ गांव का सरपंच यशवर्धन। लेकिन किस तरह की मदद चाहिए आपको? दरअसल आज इस वक्त मेरे गांव बंगड़गढ़ में मेरी बेटी सोनिका की शादी की तैयारियां चल रही हैं। सरपंच जी, आपकी बेटी की शादी है, ये तो बड़ी खुशी की बात है, तो इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं? सर, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ मेरे गांव बंगड़गढ़ आए, ये देखने के लिए कि शादी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। एक मिनट सरपंच जी, कहीं आप हमसे हिफाजत तो नहीं चाहते? जी देखिए, ये हिफाजत वाला काम हम लोग नहीं करते। जी मैं जानता हूँ, मगर मैंने आप लोगों के बारे में बहुत सुना है, बड़ी उम्मीदें लेके आया हूँ आप लोगों के पास। देखिए यशवर्धन जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा जी, तो इतना कीजिए कि आप लोग मेरे साथ मेरे गांव आइए, मेरी बेटी सोनिका की शादी में शामिल होइए, खाइए पीजिए, शादी का आनंद लीजिए, बस इतनी विनती है आपसे। सिर्फ यही वजह है, और तो कोई बात नहीं है यशवर्धन जी? जी नहीं। आइए अंदर आइए। चलिए। सब लोग कहाँ हैं? वही तो है? हो क्या रहा है यशवर्धन जी? आप तो कह रहे थे कि शादी की तैयारियां चल रही है, फिर बाकी के लोग कहाँ हैं करके? मैं भी यही सोच रहा हूँ सर, सब गए कहाँ? मेरा परिवार, रिश्तेदार, सारे मेहमान, कर्मचारी, जब मैं यहाँ से निकला था तो पूरे घर में चहल पहल थी। हे भगवान, मेरी बच्ची। ये आवाज, ये तो किसी की रोने की आवाज है, लगता है घर के पीछे से आ रही है। चलो देखते हैं। हाँ, ये आवाज घर के पीछे से ही आ रही है। हे भगवान, मेरी गैरहाजिरी में कहीं कोई अनर्थ तो नहीं हो गया? यहाँ से आइए। हे भगवान, यहाँ पर सोनिका। अरे हे भगवान, सोनिका सोनिका सोनिका, ये क्या हो गया? आपने आने में बहुत देर कर दी, हमारी बच्ची सोनिका भी हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। पीछे हटिए सोनिका। हमारी बच्ची। लगता है किसी ने ऊपर से इसे धक्का दिया है। वही तो, सिर के पीछे वार करने के बाद फिर ऊपर से नीचे क्यों फेंका? इसका घाव काफी गहरा है, ऐसा लगता है किसी ने किसी भारी चीज से मारा है। वही तो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, सिर के पीछे इतनी जोर से भारी चीज से वार करने के बाद फिर ऊपर से नीचे क्यों फेंका? देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि ये सही वक्त नहीं है आप लोगों के साथ कुछ बात करने का या सवाल पूछने का, मगर अगर हमें खुदी को पकड़ना है तो आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी, हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। एक बात बताइए, जब यशोवर्धन जी हमें बुलाने आए थे उस वक्त, मतलब यहाँ से हमारे पास आकर फिर हमारे साथ आने के बीच में क्या हुआ था घर में? सब कुछ इतना जल्दी में हो गया कि कुछ पता ही नहीं चला। पहले कमरे में वो खून, उसके बाद वो कटा हुआ हाथ, उसके बाद सोनिका के कमरे में ऊपर गई तो फिर सोनिका, दरवाजा तो खुला, सोनिका कमरे में कोई नहीं, सोनिका कहाँ चली गई मेरी बच्ची? सोनिका, खिड़की की तरफ क्यों जा रहे हो? सोनिका!
यशोवर्धन जी, आपकी गैर हाजिरी में बहुत कुछ हो गया है। अगर मैं घर छोड़कर गया ही नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं होता। हम आपका दुख समझ सकते हैं। तुम लोगों को अपनी जगह छोड़नी नहीं चाहिए थी। गलती होगी साहब, उस वक्त नीचे से चीखने की आवाज आ रही थी। साहब उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमें ऐसा लगा कि नीचे हमारी ज्यादा जरूरत है, इसलिए हम नीचे चले गए साहब। मीना जी, क्या आप हमें वो जगह दिखा सकती है जहाँ पर वो खून और हाथ मिला? प्लीज जी। इस तरफ ये रहा खून। आप कहाँ? वीना जी, यशोवर्धन जी, ये हाथ और ये खून दोनों भी नकली है। ये सब कुछ नकली है? जी हाँ, नकली है सर। लेकिन ये नकली हाथ और नकली खून यहाँ पे क्यों डालेगा कोई? सचिन, ये जो खूनी है ना, इसने जानबूझकर ये नकली हाथ और ये नकली खून इस कमरे में डाल दिया, ये सोचकर कि इसे देखते ही इस शादी से भरे घर में भगदड़ मच जाएगी, हंगामा हो जाएगा और सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ तक के पहलवान भी। और बस इसी वक्त का फायदा उठाकर वो सोनिका का खून करेगा। सर, ये जो कोई भी है बहुत ही चालाक मालूम पड़ता है। लगता है खूनी पीछे के दरवाजे से अंदर आया है। हाँ सच। अच्छा ये बताइए कि जब आप कमरे के अंदर आए तो क्या दरवाजा खुला हुआ था? हाँ साहब, खुला हुआ ही था। लेकिन उसे अंदर आते हुए किसी ने देखा कैसे? तो किसी ने तो देखा होगा। मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा था कि घर के सारे खिड़की दरवाजे हमेशा बंद रखो। यशोवर्धन जी प्लीज, अब जरा शांत हो जाइए और चलिए हमें सोनिका का कमरा दिखाइए। ये रहा कमरा। माय गॉड, क्या हुआ यहाँ? ये क्या है? किस कपड़े का टुकड़ा है? ये तो मेरी बेटी सोनिका की साड़ी का टुकड़ा है। माय गॉड, सोनिका की साड़ी का टुकड़ा। लगता है खूनी ने सोनिका को यहाँ इस खिड़की में से नीचे फेंक दिया और बेचारी नीचे गिरते वक्त उसकी ये साड़ी उस खिड़की में अटक गई और ये कपड़े का टुकड़ा वहां मिल गया। सर, ये खून लगा हुआ आवाज कबोर्ड के नीचे। खून लगा हुआ आवाज? मीना जी, क्या ये आवाज आपके घर का है? नहीं सर, ये हमारे घर का नहीं। नहीं जी नहीं। तो इसका मतलब है खूनी ये आवाज बाहर से लेकर आया और फिर इसी आवाज से सोनिका के सिर पर पीछे से वार कर दिया। हे भगवान, हम गांव वालों से क्या गलती हो गई? कैसा श्राप दे दिया तुमने, हमारी बेटी को भी खा गया ये श्राप। एक मिनट यशोवर्धन जी, क्या कहा आपने? श्राप? कैसा श्राप? किस श्राप की बात कर रहे हैं आप यशोवर्धन जी? होता क्या है इस श्राप से, जरा बताइए। इस श्राप की वजह से जिस दिन हमारे गांव में किसी भी लड़की की शादी होती है उसी दिन उस लड़की की मौत हो जाती है। ऐसा होता है श्राप से?
कब से सिलसिला चल रहा है इस शराब का? ये कई सालों से इस शराब की वजह से हमारे गांव में किसी भी लड़की को शादीशुदा जिंदगी का सुख नसीब नहीं होता। हमारे गांव में हर पिता हर भाई डर डर के जीता है। आप लोग सच में शराब जैसी चीजों पर यकीन करते हैं? जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे गांव में इस तरह की वारदातें कई सालों से हो रही है। हाँ साहब, सरपंच जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने कई बार देखा है दुल्हनों को अपनी नजरों के सामने दम तोड़ते हुए। ये आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? आज के जमाने में इस तरह की बात कोई मानता है क्या? देखिए, आप लोगों की सोच आपकी जगह सही है और हमारी सोच हमारी जगह सही है। किसी भी सोच को सही या गलत करार नहीं दिया जा सकता। अच्छा चलो, मान लिया। लेकिन ये जो भी शराब वाप है, इसकी वजह क्या है? क्या है वजह इसके पीछे? ये एक रहस्य है जिसके बारे में किसी भी गांव वाले को कुछ पता नहीं। कोई भी नहीं जानता और फिर भी आप लोग विश्वास कर रहे हैं इस पर? यशोवर्धन जी, आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं मैं। अगर आपका इतना विश्वास है इस शराब पर, तो फिर आपने अपनी बेटी की शादी इसी गांव में क्यों की? कहीं और जगह जाकर करवा देते, बताइए। हम कभी नहीं करना चाहते थे, लेकिन सोनिका की जिद थी कि अगर उसकी डोली उठेगी तो इसी गांव से, इसी घर से उठेगी। उसकी जिद के आगे हमें झुकना पड़ा और हमने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। हमने उसे बचाने की हर कोशिश की, लेकिन ये शराब हमारी बच्ची को निकल गया। नहीं 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 वीणा जी, देखिए ये शराब वाप कुछ नहीं होता, सब झूठ है ये। मेरी बात पर यकीन कीजिए, इसके पीछे कोई और है, कोई ऐसा शख्स जो सालों से आप में दहशत फैला रहा है इस शराब के आड़, समझे? और हमें यही पता लगाना है कि है कौन ये, और हम पता लगा कर रहेंगे ही। एक बात बताइए, आपकी बेटी की शादी की तैयारियों की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह की है आपने? जी हाँ है। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग हमें दीजिए। और सचिन, पता लगाओ इस गांव में ऐसी कितनी लड़कियां हैं, कितनी दुल्हने जिनकी इस तरह की मौत हुई है, और उनके बारे में पूरी जानकारी निकालो। सर मिल गया सचिन जानकारी, सीढ़ी सब कुछ? हाँ सर, सीढ़ी भी मिल गई है और शादी की जानकारी भी। वेरी गुड, लगाओ सीढ़ी जल्दी। दया, कुछ तो जरूर पता चल जाएगा सारा चक्कर क्या है। सर मुझे तो लगता है ये सारे खून उसी श्राप की वजह से हो रहे। चुप रहो फ्रेडी। फ्रेडी, आइंदा अगर श्राप शब्द तुम्हारे मुंह से निकला ना, तो समझ लेना कि तुम्हारी हमेशा के लिए ट्रांसफर इस बांगड़गढ़ में हो। नहीं सर, ऐसा मत करना सर। चुप, आइंदा ये शब्द तुम्हारे मुंह से निकलना नहीं चाहिए। कौन सा श्राप? हाँ ये देखो, ये नौकरानी बाहर आ गई, गड़बड़ हो गई है, घर के सारे लोग इकट्ठा हो गए, नौकरानी कुछ कह रही है। ये सारे के सारे इस कमरे के अंदर गए, इसी कमरे में वो नकली हाथ और नकली खून मिला था। देखो दोनों पहलवान भी आ गए, चौकीदार ये भी अंदर गए, इसका मतलब है घर के सारे लोग इस कमरे के अंदर है। ये कौन है लाल साड़ी वाली औरत? अरे तो ऊपर जा रही है। सर यहाँ पे भगदड़ मच गई, बाकी के सारे लोग इस कमरे में गए, ये ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर तो सोनिका का कमरा है सर। हाँ ऊपर तो सोनिका का कमरा है। देखा फ्रेडी, ये कोई श्राप वाप का चक्कर नहीं, ये इस लाल साड़ी वाली औरत का चक्कर है। दया, कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनिका का खून इस लाल साड़ी वाली ने ही किया है? रिवाइंड करना सर, बस प्ले करो। सर जरा इस औरत की चाल को जरा गौर से देखना, कुछ तो गड़बड़ है सर। हाँ दया, चाल तो मर्दाना लगती है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आदमी ये साड़ी पहन के अंदर जा रहा है? हो सकता है, और इसी आदमी ने सोनिका का खून किया है। सर अगर इसी आदमी ने उन बाकी दुल्हनों को मारा है, तो हो सकता है उनकी शादी पर भी ये गया लड़की बन के। बिल्कुल सचिन, सारी जानकारी है ना इसमें? हाँ सर, लेकिन सर शादी की डेकोरेशन करने वाले तो सारे लोग अलग थे, यहाँ तक कि केटरर भी अलग, और तो और शादी में जो मेहमान आए थे वो भी अलग है, एक शादी में जो आया वो दूसरी में नहीं। अच्छा, पांचों शादियों में सारे के सारे लोग अलग अलग थे।
यहाँ तक के मेहमान भी। लेकिन ये क्या, इन पांचों शादियों में एक आदमी कॉमन है। कौन सर? पंडित जी दया, जगनलाल पंडित। लेकिन सर सोनिका की मौत तो शादी की रस्में शुरू होने से पहले ही हो गई थी, उस वक्त पंडित जगनलाल तो पहुंचा भी नहीं होगा सर। घर आने वाले तो थे पंडित जगनलाल, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनिका का खून इस पंडित जगनलाल ने ही किया लाल साड़ी पहनकर? हो सकता सर, या तो वो खुद खूनी है या फिर खूनी के साथ मिला हुआ है। इस पंडित जगनलाल को मिलना ही पड़ेगा। आप लोग सीआईडी से है ना? आइए। बड़ी जल्दी पहचान लिया आपने। हाँ वो तो है, छोटा सा गांव है ना, मगर सीआईडी वाले हमारे द्वार। कहिए क्या समस्या है, सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? पंडित जी अगर सब कुछ कुशल मंगल होता तो हम लोग यहाँ पे नहीं आते। वैसे आप तो जानते ही होंगे ना कि आपके ही गांव की एक लड़की सोनिका, उसका खून हो गया। हाँ मैं जानता हूँ, बहुत बुरा हुआ। सोनिका बिटिया को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था, मैं ही उसकी शादी करवाने वाला था। ये हम जानते हैं पंडित जी। आप ये बता सकते हैं कि सोनिका का खून किसने किया होगा? देखिए श्रीमान, हम पंडित हैं, हमारा काम रिश्ते जुड़वाना और शादियां करवाना है, बाकी किसी चीज से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो पंडित जी आप ये भी नहीं जानते होंगे कि अब तक आपके गांव में जितनी भी दुल्हनों की हत्या हुई है वो किसने की? नहीं श्रीमान, उन लड़कियों का भी खून किसने किया और क्यों किया इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। ये सारी बातें मेरी समझ से परे है। लेकिन पंडित जी हमारी समझ में कुछ कुछ आ गया है। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं, लेकिन आपको परेशान करने दोबारा आएंगे। जी जरूर। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत हो गया, अब मुझे बात करनी पड़ेगी। हेलो, बात करिए उससे मेरी। हाँ हाँ उसी से। देखो सीआईडी वाले आए थे मेरे घर पर, पूछताछ कर रहे थे। देखो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। हाँ ठीक है, मैं मिलने आ रहा हूँ तुमसे, पर आखिरी बार। इधर ही आ रहा है। हे प्रभु रक्षा करना मेरी, ये किस धर्म संकट में डाल दिया। आज तो उसे मुझे बताना ही पड़ेगा, एक पंडित के घर में सीआईडी, और इस सालों की कमाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। समझ जा पंडित, मैं तो उससे मिलना ही नहीं चाहता हूँ। आज दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। आज उससे मैं कह ही दूंगा कि तुम्हारे बाप के किसी भी भागीदार बनने वाला नहीं हूं मैं। अभी तो यही था सर, अचानक गायब हो गया, उसे कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखो यही कहीं आसपास छुपा होगा सर। जगनलाल की आवाज तो नहीं थी सर? आवाज यही कहीं से आई इस तरफ। अरे यहाँ तो भीड़ जमा है, जगनलाल के साथ क्यों? प्लीज मैं, प्लीज हटिए, प्लीज हटिए, 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 हमें तहकीकात करने दीजिए। और हाँ किसी भी चीज को हाथ मत लगाइएगा। हे भगवान, इस शापित गांव के एक लौते पंडित को भी आपने उठा लिया, अब क्या होगा हमारा? कल ही तो इन्हें मैं मंदिर के बाहर मिला था सर। खूनी ने चाकू पीठ में लगा छोड़ दिया। सर लगता है खूनी ने चाकू फेंक के मारा होगा और भाग गया। अजीब सी बात है सर, ये गांव के पंडित को कोई क्यों मारना चाहेगा? अजीब बात तो इस गांव की हर एक चीज है, एक के बाद एक खून होते जा रहे हैं। और खूनी इतनी जल्दी जगनलाल को मार के कहां भाग गया? लेकिन आसपास चेक करो जरा। अड़िया अड़िया सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जगनलाल जिस आदमी से फोन पे आखिरी बार बात कर रहा था उसी ने इसे बुलाया यहाँ पे और मार दिया? जगनलाल को उसके इरादे पर शक नहीं हुआ होगा कि वो उसका खून करने वाला है। हाँ सर, इसने सीआईडी के आने की खबर दी होगी और उस आदमी ने इसका हमेशा के लिए मुंह बंद कर दिया।
इसका मतलब सिर्फ हम ही नहीं, वो खूनी भी इन गलियों में भाग रहा था इस जगनलाल के पीछे। मौका पाते ही उसने चाकू मारा और भाग गया। हाँ सर, ये जो कोई भी है काफी चालाक आदमी है। सर, हाँ सर, आसपास कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, इसका थैला चेक कर लेना। मोबाइल चेक करो, आखिरी कॉल किसको किया था? सर आखिरी नंबर तो कोई लैंडलाइन नंबर है। लैंडलाइन लगा ना? रिंग तो बज रही है सर। सर घंटी यहां भी बज रही है कहीं पे। कट करना, फिर से लगा। घंटी की आवाज तो यहीं से आ रही है। इसका मतलब ये नंबर यहीं आसपास का है। चलो देखते हैं। निकल, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। सर आवाज यहीं से आ रही है। तो इस पीसीओ पे पंडित जगनलाल ने फोन किया था, लेकिन किसके लिए? दुकान वाला जानता होगा सर। दुकान वाला कहीं नजर नहीं आ रहा। दुकान खुली छोड़कर कहाँ जा सकता है? सचिन, गांव में ऐसा ही होता है, लोग एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। हाँ सर, लेकिन अब पता कैसे लगेगा कि जगनलाल ने किसके लिए फोन किया था यहाँ पे? जी साहब, पूछिए साहब। तुम इस दुकान के मालिक हो? हाँ साहब। ये दुकान छोड़ के कहाँ चले गए थे? साहब वो घर पे गए थे। घर पे गए थे? यहाँ बगल में पंडित जगनलाल का खून हो गया और तुम घर पे क्या कर रहे थे? क्या साहब, पंडित जी का खून हो गया साहब। कितनी देर हुई दुकान छोड़ के गए? साहब 5 मिनट पहले गया था साहब मैं। 5 मिनट पहले? हाँ साहब। अच्छा ये बताओ कि 8-10 मिनट पहले यहाँ पे किसी का फोन आया था क्या? हाँ साहब, थोड़ी देर पहले पंडित जी का फोन आया था, मनीष बाबू के लिए साहब। मनीष बाबू? कौन है मनीष बाबू? साहब मुझे घर दिख रहा साहब, साहब वहीं पे रहते साहब वो। अच्छा मनीष, ये मनीष बाबू का फोन अक्सर यहाँ पे आता रहता है क्या? हाँ साहब, उन्होंने बोल के रखा साहब कि जब भी उनका फोन आया तो उनको बोल देना, तो बोल देता था साहब मैं। तो उनके पास खुद का फोन या मोबाइल नहीं है क्या? नहीं साहब, जहाँ तक मैंने देखा है उनके पास खुद का मोबाइल फोन नहीं है साहब। जब भी फोन करना होता साहब वो मेरे पास ही आते साहब। अभी होंगे मनीष बाबू घर पे? हाँ साहब, ज्यादातर वो घर पे रहते साहब। जरा दिखाओ घर किधर। चलिए साहब। साहब यही है मनीष बाबू घर साहब। यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। जगनलाल का खून करके फरार हो गया, ये आदमी हाथ कैसे लगेगा सर? एक काम करते हैं, घर की तलाशी लेते हैं। खोलो ताला। यहीं खड़े रहना। जी सर। ये देखिए ये साड़ी। ये साड़ी, ये तो वही साड़ी है ना जो सोनिका के कातिल ने पहनी थी। हाँ सर, और हमने फुटेज में ये भी देखा था कि एक आदमी इस साड़ी को पहन के सोनिका के कमरे में घुस रहा था। इसका मतलब मनीष ने सोनिका का खून किया है, उसने पंडित जगनलाल का भी खून किया है। कहीं ऐसा तो नहीं था इस गाँव में जितनी दुल्हनों की हत्याएं हुई है इन सब के पीछे ये मनीष ही है? एक काम करो, देखो और कुछ मिलता है क्या। इस औरत को मैंने कहीं देखा है। देखा? कहाँ देखी है? याद करो सर। सोनिका के कमरे में जो फोटो घुस थी
उसमें ये लड़की भी थी। सोनिका के घर पे? इसका मतलब सोनिका इस औरत को जानती होगी। और ये आदमी भी था फोटो में? सर ये आदमी तो नहीं था। फिर ये कौन है? जरा उस दुकान वाले को बुला। भाई साहब जरा अंदर आइए। जी साहब। अरे देखो ये आदमी मनीष है। नहीं साहब ये मनीष बाबू नहीं है साहब। क्या ये मनीष बाबू नहीं है? नहीं साहब, मनीष बाबू की तो दाढ़ी है, मूछें हैं और वो चश्मा भी पहनते साहब, और उनकी उम्र भी ज्यादा है साहब, ये मनीष बाबू हो ही नहीं सकते साहब। अच्छा, इस औरत को देखा कभी? नहीं साहब, इन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा साहब। सर हमें साड़ी तो मिल गई है, लेकिन इसका कहना है कि ये आदमी मनीष नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आदमी सोनिका के कमरे में भेस बदल के गया था उसे मारने के लिए, वो आदमी ये फोटो वाला आदमी हो? हो सकता है ये मनीष का कोई रिश्तेदार या फिर जान पहचान वाला हो। एक बात बताओ, ये मनीष आदमी कैसा है? मनीष बाबू को इस गांव में आए हुए एक साल हुआ है, मैं उनके बारे में इतना कुछ नहीं जानता साहब। वो यहाँ पे अकेले रहते थे या इनके साथ कोई और भी रहता था? हाँ साहब, अकेले रहते थे साहब। अकेले? हाँ साहब। किसी को देखा यहाँ पे आते जाते, उनसे मिलते? नहीं साहब, मैंने किसी को उनके घर पे आते जाते नहीं देखा साहब। ठीक, तुम जा सकते हो। अगर इस औरत की फोटो यशवर्धन के घर में है तो यशवर्धन इस औरत के बारे में जरूर जानता होगा। चलो यशवर्धन से मिलते हैं। आप लोग आइए, कहिए क्या बात है। हर्षवर्धन जी, आपसे कुछ पूछना है। जी कहिए। कि इस औरत को पहचानते हैं? ये फोटो आपको कहां से मिली? ये बहुत लंबी कहानी है, जानते हैं आप इसे? जी इसे कैसे भूल सकता हूं मैं, इसी की वजह से तो हमारे खानदान की इतनी बदनामी हुई, नाक कटवा दी थी इसने, हमारी बिरादरी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। ऐसा क्या किया इन्होंने? और हैं कौन ये? ये मेरी चचेरी बहन थी, शिवानी। चचेरी बहन? जी हाँ, अब जिंदा नहीं है, मार डाला मैंने इसे। आपने मार दिया इसे? जी हाँ। इसी बंदूक से मारा था मैंने उसे 15 साल पहले। क्यों, क्यों मारा आपने? शिवानी को धीरज से प्यार हो गया था और धीरज हमारी बिरादरी का नहीं था। और धीरज ये है? जी हाँ, यही है धीरज, इसी को लेकर आई थी यहाँ, मुंह काला करके, लाल टीका लगवाने, हमारा आशीर्वाद लेने। बाबा ये धीरज है, इससे शादी करके मैं अपनी पूरी जिंदगी इसके साथ बिताना चाहती हूँ। शिवानी, इसे जीवन बिताना नहीं जीवन बर्बाद करना कहते हैं। ये क्या कह रहे आप? ये शर्म, तू हमारे खानदान का नाम बर्बाद करना चाहती है? बाबा आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं ऐसा कोई कदम उठा सकती हूँ? बाबा धीरज बहुत अच्छा लड़का है, आपको भी बहुत पसंद आएगा। बाबा मैं मेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? अगर मुझे पता होता कि तुम हमारे खानदान का नाम इस तरह रोशन करेगी तो मैं तुझे पैदा होते ही मार देता। बाबा आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझसे इतनी घिनौनी बात करेंगे। तू मुझे समझाने की बात कर रही है? अरे समझना तो तुझे चाहिए बाबरी, हमारे खानदान में, हमारी जाति में, हमारी बिरादरी में बाहर के किसी लड़के से ना किसी ने शादी की है और ना कोई कर पाएगा। भैया भैया आप कुछ समझाइए ना बाबा को। शिवानी तुमने जो कुछ किया गलत किया। भैया आप भी? हाँ ये भी, हम सब तेरे खिलाफ हैं। सब बंदे हो चुके, आप सब बंदे हो चुके, आपके अहंकार और अंधविश्वास ने आपको अंधा कर दिया है। बाबा धीरज दूसरी बिरादरी का हुआ तो क्या हुआ, वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। बाबा मैं आपसे विनती करती हूँ, हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए, हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। कभी नहीं, जब तक मैं सलामत हूँ कभी नहीं। लेकिन बाबा वो शिवानी, इनके सामने अपने आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं, चलो। बाबा धीरज वो शिवानी, इनको अगर हमारी बात नहीं मानिए तो ना सही, इनके आशीर्वाद के बिना हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, अपना नया घर बसाएंगे, चलो। कहीं नहीं जाओगे तुम। देखिए आप लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, शिवानी आप बालिक है, चलो शिवानी। बस मैं कहता हूँ चलो, अब बहुत हो चुका। यशवर्धन बंदूक लेकर आओ। ये क्या कर रहे हैं आप? यश नहीं, शिवानी आपकी बहन है। छोड़ो मुझे। गोली चलाओ, चलाओ गोली, यशवर्धन चलाओ गोली। धीरज, धीरज
यशवर्धन, हर्षवर्धन, लाशों को ठिकाने लगा दो। पिताजी के दबाव में आके मार दिया मैंने इन दोनों को, और इसी वजह से मैंने इन्हें आज तक माफ नहीं किया। ऑनर किलिंग, इस तरह किसी की जान लेने में कैसा सम्मान, क्या मिलता है आप लोगों को ये सब करके। सचिन, गन ले लो इनके। लाइए, ज़्यादातर लाइए। वीआरएस करें सर। गिरफ्तार तो करेंगे, जो गुनाह इन्होंने किया है उसकी सजा तो इन्हें भुगतनी पड़ेगी। सचिन, इस धीरज की फोटो मनीष के घर में है, कुछ समझे? सर, इसका मतलब मनीष और धीरज एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, दोस्त थे एक दूसरे के, और धीरज की जान का बदला लेने के लिए मनीष ने इनकी बेटी सोनिया को मार दिया। जल्द से जल्द इस मनीष को ढूंढना होगा। दया, ये धीरज मरा है और मनीष जिंदा है, और मरे हुए धीरज की फोटो मनीष के घर में हमें मिली, ये कैसे? कुछ ना कुछ तो चक्कर है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कैसी गड़बड़ सर? दया, फोटो में जो दिख रहा है ना उसे नहीं देखते, जो फोटो में नहीं दिख रहा है उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब सर? मतलब अभी पता चल जाएगा रजत, अभी पता चल जाएगा। फ्रेडी, स्केच आर्टिस्ट को लेकर आओ, और सचिन, बांगड़गढ़ के पीसीओ वाले को लेकर आओ, उस पीसीओ वाले को जिसके पीसीओ पर मनीष को फोन आया करते थे। आइए। इसलिए सर ने स्केच आर्टिस्ट को क्यों बुलाया? अभी पता चल जाएगा। ये चेहरा देखो, हम चाहते हैं कि ये चेहरा बनाया। एक काम करो, अब इस चेहरे पर मोटी सी मूछें और दाढ़ी भी बनाओ। एक मिनट, मत बनाइए, ये चेहरा ऐसे ही रहने दीजिए। इस दूसरे पेपर पर बिल्कुल ऐसा ही चेहरा बनाओ, ऐसा ही चेहरा, लेकिन थोड़ा उम्र में ज्यादा, एक 10-12 साल, और फिर उस चेहरे पर मूछें दाढ़ियां लगाओ जी। और हाँ, चश्मा भी चाहिए उसे, मोटा सा, ठीक है, काले फ्रेम वाला। देखा दया, मेरा शक सही निकला, ये मनीष ही धीरज है। हाँ साहब, ये मनीष बाबू साहब। एक सेकंड, ये आदमी तो उस दिन भीड़ में था जब हमने सोनिका की लाश देखी थी। इसका मतलब है आज का मनीष मरा हुआ धीरज है। मगर सर, धीरज को तो गोली लगी थी, फिर वो बच कैसे गए? इसका मतलब धीरज को भी मारा है और मनीष बाबू बनकर सबकी आंखों में धूल झोंकता रहा। एग्जैक्टली, हमें किसी तरह से इस मनीष को पकड़ना होगा। मनीष उर्फ धीरज को ढूंढेंगे कैसे सर? ढूंढेंगे फ्रेडी, ढूंढेंगे। फिर से बांगड़गढ़ गांव में शादी होगी, दुल्हन सजेगी, और ये बाराती भी आएगा। रजत तैयार रहना, वो आएगा, दुल्हन को मारने जरूर आएगा। दुल्हन को हम आज तक नहीं आने देंगे सर, आप फिक्र मत कीजिए, उसके आगमन के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। पंडित जी याद है ना, विघ्न आने पे कौन सा मंत्र पढ़ना है? ये साहब मालूम है। अरे, ये बिजली को क्या हुआ? आ चुका है रजत, तैयार है ना? ये बिजली नहीं, कुछ और ही है। सही कहा तुमने, हमारे गांव के दुल्हनों पर किसी तरह का श्राप लगा है। ये बिजली उस श्राप की वजह से ही गई है। हाँ, ये श्राप कहीं हमें भी ना ले डूबे। हाँ, यहाँ से भाग जाने में हमारी समझदारी है।
हमें शादी में आना ही नहीं चाहिए था। चलो यहाँ से। हाँ चलो। एक्सक्यूज मी, एक मिनट कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कोई भी कहीं नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा कोई भी। आप लोग यहीं रुकिए प्लीज, कहीं मत जाइए। देखिए हमें जाने दीजिए, हम लोग मरना नहीं चाहते। कुछ नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर है ना। आप लोग प्लीज कोई बाहर नहीं जाएगा, यहीं रुकिए। साहब अभी तक वो नजर नहीं आया। तुम घबराओ मत, मैं देख के आता हूँ क्या हुआ है। ओके प्लीज। साहब वो अंदर आ गया, तुरंत इधर पड़ रहा है। अरे तुम दुल्हन नहीं हो? जी हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे यहाँ तो उसे ग्लोइनर मारी जाएगी? आगे बताना, जला दूंगा, जला दूंगा, जला दूंगा, सबको जला दूंगा, जला दूंगा। अपने आप को जला लेगा? मैं अपने आप को जला सकता हूँ। मनीष और धीरज जिसने गांव की इतनी मासूम दुल्हनों को मौत के घाट उतारा है, सोनिका का और पंडित जगनलाल का खून, क्या ऐसा अपराधी क्या लगता है रजत अपने आप को जला पाएगा? नहीं सर, इसकी शक्ल देख के तो नहीं लगता। क्या बात कर रहे हो? आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है? मैं खुद को जला सकता हूँ। अच्छा ठीक है, जला ले। देखो निकल गई सारी हवा। मैं अपने आप को पूरी तरह से जला दूंगा, सर से पांव तक जला दूंगा। नहीं सर, मुझे नहीं लगता ये अपने आप को जला सकता। देखिए माथे पे तो पसीना आ चुका है, और इसके पैर भी कांप रहे हैं। जलाऊं तुझे, जलाऊं? मनीष उर्फ धीरज, बताओ क्यों किया तुमने ये सब? इसका जवाब तो मैं पिछले 15 सालों से ढूंढ रहा हूँ। एक भाई अपनी बहन को कैसे मार सकता है? एक बाप अपनी बेटी की खुशियों का गला कैसे घोट सकता है? कि दो प्यार करने वालों को लोग जीने नहीं देते। मैं अपनी शिवानी के साथ आशीर्वाद लेने उसके घर गया था, और मिला क्या? धीरज, धीरज, तुम बच कैसे गए? जिसको राम रखे उसको कौन चाखे। एक गांववाले ने यशवर्धन और हर्षवर्धन को मुझे और शिवानी की लाश को ठिकाने लगाते हुए देख लिया था जंगल में, उसी ने मुझे बचाया। कई सालों तक मैं बेहोश था, और जब होश में आया तो मुझे शिवानी की मौत की खबर मिली, और मैं गुस्से से पागल हो गया, और मैंने सोचा कि मैं बदला लूंगा। बदला लेने के लिए तुमने पांगलगढ़ गांव की सारी दुल्हनों को मार दिया। हाँ। और इसी वजह से गांव वालों के मन में श्राप का डर और भी गहरा होता गया। हाँ, आप लोगों की वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई, लेकिन मकसद तो पूरा करना ही था, इसलिए औरत के भेष में यशवर्धन के घर के बेडरूम के पीछे के दरवाजे से मैं अंदर गया, नकली हाथ और नकली खून रखा, मेहमानों में शामिल हो गया, और जब तमाशा हुआ तो पहलवान नीचे आ गए, और मैं सोनिका के रूम में दाखिल हो गया। अपने साथ लाए हुए फ्लावर वास से मैंने उसके सिर पर मारा और उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। और जगतलाल पंडित, उसको भी तो तुमने ही मारा, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? वो आप लोगों को सब कुछ सच सच बताने वाला था, इसलिए उसे भी मारना पड़ा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जगनलाल पंडित ने तुम्हें 15 साल पहले बचाया था? हाँ, उसी ने मुझे बचाया था। भगवान ने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी, एक नया मौका दिया जीने का, और तुमने क्या किया? अपना बदला पूरा करने के लिए गांव की मासूम लड़कियों की जानें ली, उनकी शादी के दिन। अब तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम्हें तो फांसी होकर ही रहेगी। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।